देखिए, आप असेंबली नहीं, असेंबली में कपिल शर्मा का शो स्टार्ट होगा। एक तरफ केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब रहेंगे, दूसरी तरफ बैरिस्टर साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर रहेंगे, और एक अच्छी गुफ्तगू होंगी। उनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब काफी चीज पूछेंगे, ओल्ड सिटी के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते, अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से पूछेंगे, इस्लामिक सेंटर पूछेंगे, आपके रुबाब के लिए पूछेंगे, तमाम चीजों के लिए पूछेंगे, और के चंद्रशेखर राव साहब उनको पूरा देने का वादा करेंगे। सब्सिडी के बारे में पूछेंगे, सब्सिडी लोन के लिए पूछेंगे, फी रीइंबर्समेंट के बारे में पूछेंगे, और केसीआर साहब उनको सौंपा दे देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आवाम के कानों को खुश करेंगे, केसीआर साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कानों को खुश करेंगे, जो ये 9 साल से चल रहे थे आ रहा है। फिर उसके बाद आवाम ये दोनों को इंशाल्लाह इलेक्शन में खुश करके बताएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वग़बोट की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की अमानत को लूटा है। इनसे बड़े लुटेरे और कोई नहीं है दुनिया में जो वक्फ की और अल्लाह की जमीन को लूटते हैं। आपको वक्फ जमीन के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूं वक्फ मीन्स डोनेशन। वक्फ उर्दू वर्ड है, उसका असली मीनिंग है डोनेशन। डोनेशन यानी बड़े लोग, जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जागीरदार, जमींदार, राजा महाराजा जो भी थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब किस्म के लोग थे, मुसलमान जागीरदार ज़्यादा थे, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन वक्फ में दे दिया। किस लिए दिया मेरे अंदर इनाले वक्फ पंटे अर्धम आई थी, किस लिए दिया वो जमीन, उसको एक मनशाए वक्फ बोल के भी रहता। मनशाए वक्फ यानी पर्पस ऑफ डोनेशन, किस लिए दिया गया। कुछ लोगों ने दवाखाना बनाने के लिए दिया ताकि लोगों के सुविधा हो, कुछ लोगों ने और ये स्कूल बनाने के लिए दिया ताकि बच्चों को तालीम मिले, ऐसे कई तरीके से कई वेलफेयर एक्टिविटी के लिए दिए। मैं आपसे वायदा करता हूं हर शोबे हयात में मुसलमानों का नुमाइंदगी जरूर होगी जब तक बिहार सरकार रहेगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं।